about it. My question is to all four of you. When Abhishek offered you the film, at any point did you guys feel skeptical about taking this film? Because in a way, it was a risk venturing into this sort of a film, because this is not even done before. So what was the thought process like when you all were approached for the film? I think in my case, Abhishek was skeptical to take me. I remember sitting in front of him. He's like, okay, 1 second. I just have to sit and imagine you as this character. One minute. Because it happened very randomly. But I think, at least for me, I literally jumped at it right away. Because I said that this is something that it's completely, like, I'm North and this character is South. So it just, for me, it's a big step away and a huge, out-of-the-box situation for me. So I went for it right away. एक्चुअली मुझे हमेशा से ये लगा है दैट गुड स्टोरीज शुड बी टोल्ड एंड न्यू स्टोरीज शुड बी टोल्ड एंड इफ यू डोंट ट्राई समथिंग न्यू यूल नेवर रियली डिस्कवर योर सेल्फ यूल नेवर रियली बी ओरिजिनल सो एंड न्यू थिंग्स ऑलवेज रिस्की एंड स्कैरी लेकिन मेरे लिए ये फिल्म सबसे ज्यादा चार कैरेक्टर्स की कहानी है उनकी स्ट्रगल है अपने आप से और चार बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और चारों बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ऑनेस्ट स्टोरी है और इसके अंदर की जो सोल है स्टोरी की वो कुछ बहुत अच्छा कहना चाह रही है एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में लोग कहने से बात करने से डरते हैं लेकिन जो ये कहना चाह रही है वो बहुत ऑनेस्ट है और इंटेंशन मुझे फिल्म का अच्छा लगा मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए मुझे लगा इंटेंशन फिल्म का यूथ को एक मैसेज देने के लिए है जो मैसेज हम सब ने अपनी टी शर्ट्स पे पहना हुआ है और इस तरीके से वो मैसेज कहा गया है कि यूथ उसके साथ कनेक्ट कर सके ड्रग्स दी मादी एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू से टू एवरी यंगस्टर ड्रग्स दी मादी नो नॉट रियली बिकॉज़ आई एम द ओनली वन इन द फिल्म दैट डजंट डू ड्रग्स हेलो अभिषेक हाय अनुप्रिया प्रभात खबर से मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना अलग सा टॉप हमेशा टाइटल रहता है आपका डेर इश्किया और इस बार उड़ता पंजाब तो टाइटल कैसे जहन में है और जो आलिया का किरदार है बिहार और झारखंड से इसकी वजह क्या रही है आपने झारखंड में भी कुछ साल बिताए हैं क्या वो एक रीज़न है कि आपने वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं कुछ रियल इंसिडेंट हैं या फिर अब पहला सवाल आपका शायद टाइटल को लेकर था नहीं टाइटल तो मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फिल्मकार के लिए या लेखक के लिए टाइटल निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है तो ये टाइटल भी जब आया था हमारे दिमाग में तो बड़ा टेंटेटिवली हमने सोचा कि शायद टेंटेटिव टाइटल बोल कर लिख देते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली जब रिएक्शन लिए लोगों से तो पसंद आ गया तो या अब अच्छी किस्मत कह लीजिए कि अच्छा टाइटल मिल गया जहाँ तक आलिया के किरदार का सवाल है वो नहीं वो इसलिए था बिकॉज जब हम पंजाब गए हमने वहाँ वक्त बिताया वहाँ पे थोड़ी रिसर्च करी तो हमने ये पाया कि वहाँ पर काफ़ी जो खेतों में काम करने के लिए जो लेबर आता है वो इन तमाम स्टेट्स इस तरीके का था तो हमने इसलिए सोचा कि इसको इस इलाके से लाते हैं यहाँ पर क्योंकि ये आउटसाइडर है यहाँ पर और एक आउटसाइडर और उस तबके की महिला एक लड़की की जर्नी इस लैंडस्केप में जहाँ पे ड्रग अब्यूज हो रहा है सो दैट्स हाउ इट केम अबाउट अभिषेक जी अभिषेक जी अगर हम देखें तो हरे रामा हरे कृष्णा से लेकर अभी रॉकी हैंडसम तक जाबाद बहुत सारी फिल्में आई सब में ड्रग के लिए या ड्रग के खिलाफ जंग दिखाई गई आपकी फिल्म का ट्रेलर डिफरेंट है लेकिन फिर भी ये फिल्म किस तरह से अलग है उन फिल्मों से जी जैसे ट्रेलर अलग है वैसी फिल्म भी अलग है हमने दूसरी फिल्म के शॉर्ट्स तो लिए नहीं नहीं, नहीं नहीं दूसरी फिल्म में लेकिन सब्जेक्ट वही रहता है कि ड्रग्स है मैडम ये तो ड्रग्स का सब्जेक्ट है इसमें 10 फिल्में बनी होंगी लव स्टोरी तो 5 करोड़ बन चुकी हैं तो काफी अलग है और दूसरी बात अभिषेक जी जब जंगल बुक जैसी फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिल सकता है तो आपने कैसे सोच लिया कि ये फिल्म नहीं ये व्यस्कों के लिए बच्चों नहीं, के लिए नहीं, 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 नहीं बच्चों के लिए नहीं है लेकिन क्या आपको कुछ डर था कि कुछ डायलॉग में गड़बड़ होगी नहीं हम अब देखिए इतना सोच करके मैं काम करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब हम लिखते हैं ना तो हम लिखते वो है जो लगता है ये सच है जो हमको लगता है ये करेक्ट है इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर का बर्ताव उसका
उसकी कहनी और कथनी ऐसी होने वाली है, तो उस वजह से लिखते हैं। अब बाद में जब रिलीज के टाइम आता तो बड़ा डर लगता है, यार मैंने तो लिखा है पता नहीं क्या होगा, तो वो देखते हैं, वो अलग फाइट है। बट हम जो लिखते हैं वो इस इंटेंशन से लिखते हैं कि ये करेक्ट है, इस कैरेक्टर का ये बिहेवियर इस सिचुएशन में ये सही है, और इसलिए लिखते हैं, और कोई इंटेंशन नहीं होती हमारी। Hi, hi everyone. I'm Renil from First Post here. Hi. Here, hi. hi, Kareena. There was a good review of Kianka, by the way. Yeah, I owe you my interview. I've not forgotten. What about Kapoor and Sons? Kapoor and Sons had a really interesting review from First Post. This interesting word is very dodgy. Interesting in a really good way. Congratulations on that. But then, addressing the elephant in the room, I have to ask you guys about the experience working with each other. I don't know why anybody is asking this question, but then tell us, how is it working after a while now? Who are you? First, take the names of the people you're talking about. This elephant that you're talking, uska naam to le. Very scared, Shahid. You might be. I have to be careful asking you questions. You've made. क्यों मैंने आज से पहले तेरे साथ गलत बर्ताव किया है कभी? हाँ. Three of you, the cast and also Diljit. Four of you. हाँ, cast चार लोगों की है. सवाल तेरा तीन लोगों से है कि दो लोगों से है कि all four of you. All four of you. All four of you. मेरे और करीना का एक भी शॉट ही नहीं है फिल्म में. If you're asking about that. No, obviously I'm not asking so, about that. So बड़ा मजा आया. एक दूसरे के साथ अलग अलग दिनों पे काम ना करके. Great. Now I'm sure everyone wants to listen to this. Can we hear a dialogue from the movie? From which movie? From this movie. From this movie. From this one. Alia, I think you should say your dialogues because they are very, you know. They are really understandable and relatable. Children friendly. Come on, Alia! Come on, Alia! Alia! हमार सुन बाना तगनिया फाट जाए. थैंक यू. इट्स अ ए नॉट फॉर किड्स दिस लाइन. हाय एकता. एकता टुवर्ड्स योर राइट. एकता टुवर्ड्स योर राइट. यू नो दिलजीत इज अ बिग स्टार इन पंजाब. And since this film is also based in Punjab and you have one of the biggest superstars of Punjab, will there be some special release strategy as well as promotional strategy for the film over there? I think, yeah, there has to be because it's about Punjab. And I think it will be a worldwide or mostly all over India. I'll want to get all the important people to watch the film because ye baat sirf आपकी मेरी नहीं है, पंजाब की. एंड पंजाब इज व्हाट आर बॉर्डर. आई मीन आर बॉर्डर इज प्रोटेक्टेड बाय पंजाब. सो आई मीन दिस इज अ नेशनल इशू. सो या एंड बिकॉज वी हैव सच अ बिग स्टार विद अस इन द फिल्म, यस ऑफ कोर्स वी आर गोना हैव मेनी शोज इन पंजाब, स्पेशली द पॉलिटिकल पार्टीज. वी वांट देम टू सी इट एंड सी दैट इफ वी कैन गेट समथिंग डन अबाउट दिस प्रॉब्लम. एंड विकास एंड विक्रम सर, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. यू नो सिंस दिस फिल्म डील्स विद अ नेशनल इशू इन अ वे, आर यू आईइंग फॉर अ टैक्स फ्री स्टेटस इन एनी वे? Yeah, right away. But you know, I must just say one thing that when we read the script, and while it's a film about an issue and it's a national issue, etc., but when I read the script, and I think all of us read it, I think it's a really interesting film. It's extremely entertaining, and we couldn't put the film down while reading it. And I think mudda ek cheez hoti hai, aur dusra hota hai log picture dekhne ke liye aate hain. And when you come to watch a movie and you go back home with something more than just entertainment, that's what the movie is doing. But if they don't give us tax free because it's more entertaining than messaging, we're okay with that. Dar bahut alag hai jo ab tak aapne dekha hai. Taya ji ka role kar raha hu main Shahid ke, वैसे भी इसका ताया जी हूं मैं. लेकिन फिल्म के अंदर जो है वो फिल्म ताया जी का रोल है जो इसको एक्चुअली रॉक स्टार बनाता है और टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज में. लेकिन इस किरदार को सोचने के लिए जिसने सोचा, हनीत रेहन, आई मस्ट थैंक हिम बिकॉज नॉर्मली मैं फनी रोल्स करता हूं, लेकिन ये बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही अलग रोल था.
और मुझे बहुत करके मजा आया बिकॉज अभिषेक के साथ राइट फ्रॉम द वर्ड गो देयर वाज ए ट्यूनिंग यू नो मेरा और शाहिद के साथ बिकॉज इज लाइक माय किड तो मेरे को बड़ी कंपैटिबिलिटी थी तो हमारे सीन्स जो है बहुत अच्छे निकल के आए हैं तो यू विल सी ए डिफरेंट सतीश कौशिक इन दिस. अभिषेक आपसे सवाल है कि आपकी फिल्मों में उर्दू और अवधी भाषा हमने देखी है इस फिल्म में भाषा की क्या अहमियत है इस फिल्म में बताएं. उड़ता पंजाब ना पंजाबी होगी इस फिल्म में तो वो है. हाय माय क्वेश्चन इज टू विक्रमादित्य एंड विकास. आई एम एट द सेंटर. वी आर एक्सट्रीमली ग्रीडी पीपल सो व्हेनेवर एनीवन मेकिंग अ गुड फिल्म वी गो एंड स्टील इट फ्रॉम देयर ऑफिसेस एंड ऑल बट एनी गुड स्क्रिप्ट दैट वॉक्स इन इट्स द बिगेस्ट हाई दैट एनीवन कैन हैव and especially when it walks in with a director like Abhishek Chaubey. So we were very, very, very happy that this came our way. And we tried our best to ruin his film, but he did a great job. We interfered a lot. We kept going to him. But I think finally Chaubey's done a fabulous job. He's a great, great filmmaker. And I don't think he needs us to make it any better for him.